हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अंकिता। और आज का जो ये वीडियो है मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पर, क्योंकि आजकल आप सभी जानते हैं कि कोरोना का कहर हर तरफ फैला हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है। तो ऐसे में हम जब बाहर से कोई भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेके आते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये डर बैठा होता है कि कहीं ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी तो इन्फेक्टेड नहीं है, कहीं किसी ऐसे इंसान ने तो इन्हें नहीं छुआ है जो खुद इन्फेक्टेड हो। तो ये डर सभी के मन में रहता है। और इसके रहते मैंने देखा है कि कुछ लोग अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को साबुन के पानी से धोते हैं, जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि वेजिटेबल्स की जो स्किन होती है वो पोरस होती है, जिसके थ्रू जितने भी केमिकल्स होते हैं वो उनके अंदर चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कैसे एक सेफ़ तरीके से क्लीन कर सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बोल, और उसमें हमें कुछ गुनगुना पानी लेना है। और इसमें ये जो गुनगुना पानी है, अगर सिर्फ आप इस पानी से ही अपने वेजिटेबल्स को क्लीन करेंगे तो भी ये 95% तक का जो भी रेजिडिव होता है आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे, लाइक पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या कोई भी केमिकल अगर होगा, तो वो 95% तक की क्लीन हो जाएगा। लेकिन टू बी डबली श्योर, आपको मैं एक बहुत ही छोटी सी टिप बताऊंगी, बहुत ही इजी है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लेना है, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। इसे उस पानी में अच्छे से मिक्स कर देना है, और इस पानी में आप अपने सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सोक करके रख दीजिए। 10 मिनट्स तक इन्हें अच्छे से सोक करना है। उसके बाद इन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अच्छे से क्लीन वाटर से वॉश कर देना है। ये है सबसे आसान तरीका अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को क्लीन करने का। तक करने से आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिल्कुल भी सेफ़ हैं खाने के लिए। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। और अगर आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी पता चले कि कैसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को क्लीन करना है, क्योंकि आजकल बहुत ही गलत गलत तरीके से लोग क्लीन कर रहे हैं साबुन के पानी से, जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय बाय।